गेहू मित्र ओम गम गणपति विघ्न नाशन स्वाहा गणपति विघ्न राज लंब तुंडो गजर देमात्र शिरम बेक दंतो गणा देव विनायक शरुकर्ण पशुपालो भवात्मत द्वादशतानि नामानि प्रातर्चाय पदुजय पथि जयहो प्रभु तस्य देहम चक्यं सुमेर नमस्ते। दोस्तों, मैं आपको एक विशेष अच्छी लक्ष्मीदायक सेवा बताना चाहता हूँ। ऐसा उपाय जो कभी फेल नहीं होता लक्ष्मी के मामले में, अगर आप में श्रद्धा है तो, गणेश जी के प्रति अगर आपका थोड़ा सा भी भाव निकल के आता है तो ये श्रद्धा ये पूजा कभी फेल नहीं होती। श्रद्धा की पूजा है ये, और लक्ष्मी स्थिर हो जाती है इससे बिल्कुल घर में अगर सही तरह से करेंगे तो। आप तो उपाय कुछ इस तरह से है मित्रों, बाजार से एक सुपारी खरीद के लाएँ, ठीक है, पूजा वाली सुपारी, और गुरु पुष्य रवि पुष्य या बुधवार को कोई मुहूर्त में बुधवार पड़ रहा हो उसको लेकर के सुपारी को कलावा लपेट करके और सुपारी को बिल्कुल ढक लें, और उसके बाद उसको पूजा स्थान रख लें और उसका पंचोपचार पूजन करें मित्रों, ठीक है साहब मित्रों। और पंचोपचार पूजन होगा और पंचोपचार पूजन करने के बाद आप एक आपको मंत्र दे रहा हूँ, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने स्वाहा, ये वाला मंत्र जी लक्ष्मी के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को काट देता है मंत्र। इस मंत्र की खासियत है मित्रों, इस मंत्र की 11 माला होंगी, एक ही बार करनी है, केवल 11 माला करनी है, और 11 माला करने के बाद सुपारी से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, आप हमारे घर में स्थिर होकर के विराजमान हो। और एक बार ध्यान रखें मित्रों, पूजा करने के बाद सुपारी नहीं रहती, वो वास्तव में गणेश जी हो जाते हैं। समझ लीजिए आपके घर में गणेश जी आ चुके हैं और विराजमान हो चुके हैं, तो उसमें गणेश जी का भाव रहेगा, गणेश जी महाराज आप स्थिर हो हमारे घर में, लक्ष्मी जी को लेकर के आए। उस पूजा के बाद शाम को उस सुपारी को लेकर के और अपनी जो अलवारी तिजोरी है जिसमें आप पैसे गहने और मतलब कीमती वस्तुएँ रखते हैं उसमें आप रख दें उसे, और रखने के पश्चात उसको हर बुधवार को उसमें धूप दिखा दें उसको, गणेश जी महाराज को यानी सुपारी जी को। ये इस सुपारी पूजा का एक रहस्य है, ये सुपारी पूजा है ना, ये गणेश पूजा, ये नेगेटिव ऊर्जा को हटाती है और पॉजिटिव ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आती है। नेगेटिव ऊर्जा के रहने से ही आपके घर में धन की कमी होती है मित्रों। अलवारी के आसपास हमेशा कई लोगों के देखा में नेगेटिव ऊर्जा पाई जाती है जो कि वहाँ से धन को विदा कर देती है, तो इससे करने से नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा स्थिर विराजमान हो जाएगी, ठीक है। और ये धन को फिर नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है तो धन आकर्षित होता है, गणेश जी महाराज को खींच के लाते हैं, और इस जो इसके बाद जो कमाई हो उस धन को आपको फायदा होगा, उस धन को अच्छे कामों में व्यय करें, खराब कामों में ना करें, ठीक है ना, तो बढ़ता चला जाएगा। और ये समझ लीजिए अगर सही तरह से विधि विधान से आपने सही तरह से गणेश जी का ये कर लिया है तो आपकी वो सुपारी नहीं रहेगा, चमत्कारी वस्तु हो जाएगी, करके देखिए, चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। सृष्टि स्त्री विनाशानम शक्तिभूत स्नाति गुणाश्चय गुण नारायणी नमस्त, जय महाभद्रकाली नमोस्त, जय हो मित्रों।